जैन देवी लवर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अल्ट्रा वॉलेट ने अपने बैटरी डे इवेंट में दोस्तों बहुत कुछ बताया है अपनी नवंबर में लॉन्च होने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल F77 के बारे में। चलिए डिटेल में जानते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जो इनकी आई है इसमें क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं और क्या क्या रेंज हो सकती है इसकी जो उन्होंने बताई है। लगभग 307 किलोमीटर की IDC रेंज बताई है, तो प्रैक्टिकल रेंज कहीं ना कहीं 250 किलोमीटर प्रति चार्ज के हिसाब से होनी चाहिए। इन्होंने अपना बैटरी पैक जो है दोस्तों वो भी अपडेट कर दिया है। चलिए डिटेल में जानते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके बात करेंगे हर चीज़ के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ आज सारी बातें हिंदी में डिटेल में, जो भी मैं जानता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि बैटरी पैक के बारे में सबसे पहले, और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा चेंज है। इसके अलावा कई चेंजेस और भी किए हैं, वो भी बड़े चेंजेस हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा चेंज है। चलिए इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो सेकंड जनरेशन आई है इस गाड़ी की, उसमें 307 किलोमीटर की IDC रेंज आई है, जो कि 10 किलोवाट आवर के बड़े बैटरी पैक की वजह से आई है, जिसमें उन्होंने 18650 से अब 21700 सेल्स पे शिफ्ट कर दिया है। यानी कि सेल्स का जो फॉर्म फैक्टर था वो बदल दिया है, अब ज़्यादा हाई डेंसिटी सेल्स का यूज़ किया गया है, जिसका फॉर्म फैक्टर भी थोड़ा बड़ा है। ये भी देखा होगा ज़्यादातर जो गाड़ियाँ आज के जनरेशन में इंडिया में भी लॉन्च हो रही हैं वो 21700 सेल्स के साथ ही लॉन्च हो गई हैं। तो 2024 में ये पहले इसको शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें जल्दी शिफ्ट हो रही हैं तो इन्होंने भी अपने बैटरी पैक को अपडेट करके जो उसका फॉर्म फैक्टर था उसको चेंज करके 21700 में डाल दिया है। तो ये इनकी जो मॉड्यूलरिटी थी, यानी कि इन्होंने जो मॉड्यूलर बैटरी पैक पहले 3 लगा रखे थे अपनी मोटरसाइकिल में, उनको हटा के एक फिक्स्ड बैटरी लगा दी है दोस्तों। हाँ, ये सबसे बड़ा चेंज है कि फिक्स्ड बैटरी को अब लाया गया है। और ये रीज़न इन्होंने ये दिया है कि देखिए, हम मॉड्यूलर बैटरी पैक को जब यूज़ कर रहे थे तो एक फिक्स कैपेसिटी के ही मॉड्यूलर बैटरी पैक यूज़ हो पा रहे थे, लेकिन फिक्स बैटरी पैक जो है एक बड़ा बैटरी पैक यूज़ हो रहा है। और इसके साथ इनकी जो रेंज है वो बढ़ जा रही है। पहले क्या था, रेंज फिक्स हो रही थी, 150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही थी। अब ये 307 तक इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि उन्होंने फिक्स और एक बड़ा बैटरी पैक का यूज़ किया है और मॉड्यूलर बैटरी पैक्स को हटा दिया है। तो जिनके लिए रेंज प्रेफरेंस रखती है उनके लिए ये तो अच्छी चीज़ हुई, और जिनके लिए अपार्टमेंट वगैरह में जो लोग रहते हैं उनके लिए दोस्तों ये अच्छी चीज़ नहीं हुई, क्योंकि वो मॉड्यूलर बैटरी पैक को पहले निकाल के ले जा सकते थे, लेकिन अब वो बैटरी पैक को नहीं निकाल सकते और उनको गाड़ी वहीं चार्ज करनी पड़ेगी जहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, इसलिए उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी थर्मल एफिशिएंसी जो है, जो अनइवन हीटिंग होती थी बैटरी पैक की जगह जगह पे, उसको भी इन्होंने मिनिमाइज किया है। तो अनइवन हीटिंग होने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि बैटरी पैक कहीं पर ज़्यादा हीटअप हो जाता है, कहीं पर कम हीटअप होता है, तो अनइवन हीटिंग की वजह से बैटरी पैक का जो डिग्रेडेशन होता है वो भी जल्दी होता है। ऐसे में इन्होंने इसको मिनिमाइज़ किया है ताकि आपकी जो सेल्स बैटरी पैक में यूज़ हैं वो ज़्यादा देर तक काम आ सकें, उनकी लाइफ साइकिल पूरी बराबर रहे, और इसीलिए उनकी जो लाइफ है, जो लाइफ होगी वो भी बढ़ जाएगी दोस्तों। इसीलिए इन्होंने जो थर्मल एफिशिएंसी थी वो बैटरी पैक की वो भी काफ़ी अच्छी कर ली है, और जो अनइवन हीटिंग थी उस इश्यू को मिनिमाइज़ कर दिया है दोस्तों। इसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है इसके फ्रेम में। जो पहले फ्रेम था और जो अब फ्रेम है उसमें थोड़े चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले थोड़ा ज़्यादा फ्रेम था, इसका वेट भी ज़्यादा था और बैटरी पैक जो था हल्का था, तभी रेंज भी कम मिल पा रही थी। लेकिन जैसा कि आपको पता, उनको बैटरी पैक का साइज़ जो था वो बढ़ाना था, तो जो वेट हो रहा था फ्रेम की वजह से भी बहुत हो रहा था और बैटरी पैक की वजह से भी बहुत हो रहा था। तो उनका जो फ्रेम का डिज़ाइन था दोस्तों, उन्होंने उसको लिया एक चैलेंज की तरफ से और फ्रेम को मिनिमाइज़ कर दिया। पहले क्या होता था, मोटर जो माउंट होती थी वो फ्रेम के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में माउंट होती थी, यानी कि लटका दी जाती थी, उसमें स्क्रूज कस दिए जाते थे। लेकिन अब क्या है, वो सारा पार्ट वहाँ से हटा दिया गया है और वहाँ पे जो मोटर माउंट के कॉम्पोनेंट हैं वो मोटर के फ्रेम में ही माउंट करके उसको स्ट्रेस मेंबर का हिस्सा बना दिया गया है, यानी कि फ्रेम के स्ट्रेस मेंबर का हिस्सा बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा फ्रेम का डिज़ाइन भी सिंप्लीफाई करने के साथ साथ उसका जो वेट है वो भी कंट्रोल करता है। अब गाड़ी हल्की हो गई, जिससे बैटरी पैक को और अच्छी तरीके से लगाया जा सके, और कहीं ना कहीं रेंज को भी ये बात सपोर्ट करती है। जैसा कि आपको पता, अगर वेट ज़्यादा होगा तो गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, इसलिए वेट को कम किया गया है। मैं कई कंपनियों को फॉलो करता हूँ फॉरेन की, जिनको यही सारी डिज़ाइन कंसिडरेशन में लेके अपने मोटर बाइक्स डिज़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक, और अल्ट्रा वॉलेट F77 भी अब दोस्तों इसी के साथ आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्विंग आर्म की, तो स्विंग आर्म को भी नए स्ट्रेस टेस्टिंग कर करके उन्होंने फिर से रीडिज़ाइन कर लिया है। और साथ ही आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, अच्छी तरीके से इसको रीडिज़ाइन करके इसी में अंदर चेन को ले जाया गया है, जिससे कि ज़्यादा नॉइज़ भी पड़ना ना पड़े उसको, और जो इनकी स्विंग आर्म है वो कहीं ना कहीं एजिलिटी मेंटेन रखे बाइक की। दोस्तों इसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो इनके ट्रांसमिशन में हुए हैं, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको बताऊं मैं। तो दोस्तों इसमें रिडक्शन गियरबॉक्स का यूज़ किया गया है, लेकिन पहले 2019 में जिस तरीके का रिडक्शन गियरबॉक्स था, लेकिन अब वो नहीं है।
अब जो गियर्स हैं दोनों जो आपस में फंसे हैं, जिनके दांत आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनमें सेकंड जनरेशन में आपको ज़्यादा दांत दिखाई दे रहे होंगे, वो अच्छी तरीके से नॉइस को रिड्यूस कर पाते हैं और कहीं ना कहीं हेलिकल गियर, स्पर गियर जो होते हैं उसकी जगह हेलिकल गियर का यूज़ करते हैं तो नॉइस जो होती है और ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस तरीके का गियर अरेंजमेंट अब ला के रख दिया गया है अल्ट्रा वायलेट F77 के प्रोडक्शन मॉडल में, जिससे आपकी जो गियर बॉक्स की लाइफ है वो ज़्यादा बनी रहे, टीथ जो होंगे ज़्यादा होंगे तो कम आवाज़ करेंगे और इसके साथ इनकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की। अब इनका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, एक एक करके हर जनरेशन में आपने देखा हो कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड किए जा चुके हैं इसमें। तो इस बार कैन प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट करने लगा है, जो कि ऑटोमोबाइल का अच्छा खासा प्रोटोकॉल है जो सदियों से चलता आ रहा है। इसके साथ ही इसके फर्मवेयर को अपडेट करके इसकी जो BMS है उसके सॉफ्टवेयर को एल्टर करके आप इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एल्टर कर सकते हैं, वो कंपनी करती रहेगी। तो उसमें ODA का सपोर्ट आ चुका है और इसके साथ साथ इसमें LTE कनेक्टिविटी भी दी जा चुकी है, जो eSIM के फॉर्म में आपको बैकवर्ड कंपेटेबल भी होगी। 3G 4G 5G सब चलेंगे इसमें और ये कहीं ना कहीं आपकी बैटरी की जो नेक्स्ट फ्यूचर अपडेट्स आएंगे उसको ट्विक करने के लिए उसमें काम आएगा। तो कहीं ना कहीं हर बार इन्होंने नए फीचर ऐड करके इस चीज़ को अच्छा कर दिया है। तो दोस्तों इसके बाद इन्होंने टेलीमेट्री लिंक को भी अपडेट कर दिया है और इनके पास अच्छा खासा डेटा होता इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट जो मैंने आपको उस दिन भी दिखाई थी। और चलिए फिर से दिखा देता हूँ, ये रही इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। इसमें आपको देखने को मिलेगा एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और मैग्नेटोमीटर तीनों होते हैं और व्हीकल की 3D ओरिएंटेशन, कब वो झटके ले रही, कब वो कितना लीन हो रही, कैसे राइडर उसको चला रहा है, सारा डेटा है इनके सर्वर पर पहुँच जाएगा और इसके बाद में इसको एनालाइज कर सकते हैं ये चीज़ें और इसके बाद में इसको अपडेट कर सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ें दोस्तों हैं सस्पेंशन को फाइन ट्यून करने के लिए, हैंडलिंग को फाइन ट्यून करने के लिए यूज़ की जाती हैं और रेस ट्रैक मशीन्स में काफ़ी ज़्यादा यूज है। और क्योंकि अल्ट्रा वायलेट एक सुपर बाइक है इसलिए इसमें भी ये सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं। तो इस टेलीमेट्री लिंक के डेटा के थ्रू आपको योर रोल पिच के मूवमेंट के बारे में पता चलता है, कहीं शॉक तो नहीं लग रहा है, कहीं व्हीकल खड्डे में तो नहीं जा रही, कैसे रिएक्ट कर रही है, सारी चीज़ें दोस्तों पता लग जाएंगी। तो 10 से ज़्यादा सेंसर्स को व्हीकल में लगाया गया है जिससे आपको रियल टाइम अपडेट मिल पाए कि क्या हो रहा है गाड़ी के साथ, इसीलिए टेलीमेट्री डेटा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें थी जो उन्होंने अपडेट की थी अपने इलेक्ट्रिक बाइक में। अब जो इलेक्ट्रिक बाइक 23 अक्टूबर से इसकी बुकिंग चालू हो जाएगी 10,000 रुपये से और उसके बाद में ये नवंबर में लॉन्च कर दी जाएगी, प्रोडक्शन रेडी ये हो चुकी है। मैन्युफैक्चरर्स के जो कंपोनेंट सप्लायर हैं OEM से उनसे बात हो चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं हो सकता है आपको फरवरी मार्च में ये गाड़ी ऑन रोड देखने को भी मिल जाए। तो मेरे दोस्तों को बस यही कहना था आपसे कि जो भी चेंजेस हुए हैं मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिए हैं, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा अगर आपको समझ में आया। और कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो ज़रूर लिखिए कमेंट में, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद वी लवर्स।